हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल एमएसजी करियर पॉइंट। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास एट्स इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 16 एंड दिस चैप्टर नेम इज द फ्यूचर टेंस। प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने प्रेजेंट टेंस की बात की, पास्ट टेंस की बात की, आज हम फ्यूचर टेंस के बारे में देखने चल रहे हैं। मीन्स ऑल अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर मीन्स सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम देखेंगे। उसके हेल्पिंग वर्ब को डिस्कस करेंगे, है ना। वर्ब कौन सा होता है डिस्कस करेंगे, ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन सब हम सीखने चल रहे हैं। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं पेज पे। सिंपल फ्यूचर बच्चों, आप जानते हैं सिंपल फ्यूचर में क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का यूज करते हैं, विल सेल लगाते हैं। पर बच्चों मैं एक बात बता दूं, आप विल या सेल दोनों कुछ भी लगा सकते हैं, आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं माना जाता है। तो विल या सेल दोनों लगा सकते हैं। बेसिकली सेल का यूज़ हम आई वी के साथ करते हैं, आई वी के साथ करते हैं, और विल का यूज अदर के साथ करते हैं। ठीक है, अदर के साथ विल का यूज करते हैं। लेकिन अगर आप इधर का उधर विल सेल का यूज किसी के साथ कर देते हैं तो रॉन्ग नहीं होता। और अक्सर जनरल तौर पे हम ने देखा है विल का ही यूज़ कॉमन होता है, विल का यूज कॉमन होता है, कहीं पर भी विल का यूज़ आप कर सकते हैं, रॉन्ग नहीं माना जाता है। तो चलिए ये बात हो गई। अब यहाँ देखिए सिंपल, तो विल सेल का यूज़ करेंगे आप इसमें, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। देखिए, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। आई शैल रीच जम्मू, आई शैल रीच जम्मू एट 5 o'clock, कह रहा है मैं 5 बजे जम्मू पहुंच जाऊंगा। ठीक, तो इस प्रकार से विल सेल का यूज होगा। निगेटिव बनाना है तो नाट लगा दें, विल नाट गो, ही विल नाट गो टू दिल्ली टुमारो, आई शैल नाट रीच जम्मू एट 5 o'clock, इस तरीके से आप बनाएंगे। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है मीन्स प्रश्नवाचक, तो विल सेल को पहले कर देंगे, विल सेल का यूज फर्स्ट ऑफ ऑल कर देंगे। विल ही गो टू दिल्ली टुमारो, विल को देखिए पहले कर दिया गया। विल आई रीच जम्मू एट 5 o'clock, विल को पहले कर दिया गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया, बस हो गया। एक रूल एक समान है बच्चों, निगेटिव इंट्रोगेटिव या फिर सिंपल बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो समान होता है, बस चेंजिंग कहाँ आती है हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वही बात यहाँ पर भी है, देखिए, शैल आई मेक यू सम टी, शैल वी ज्वाइन द फिल्म क्लब। यहाँ आप शैल के प्लेस पर विल भी करेक्ट कर सकते हैं, विल भी राइट कर सकते हैं, रॉन्ग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बस जरा सा अंतर यह है कि विल या फिर शैल इंटरचेंज कर देने से लगता है कि वर्क में इम्फेसिस दिया जा रहा है, गारंटी से किया जा रहा है ना, गारंटी दिखाता है, ज़रूरी दिखाता है। बस जैसे कहा जाए आई विल रीड, आई के साथ सेल होता है यूज, लेकिन आई विल रीड इसका मतलब मैं ज़रूर पढ़ूंगा। ठीक, ही सेल रीड भी कर सकते हैं आप, लेकिन इसका अर्थ होगा वह ज़रूर पढ़ेगा, बस वह पक्का पढ़ेगा, श्योर पढ़ेगा। इसलिए कभी भी रॉन्ग नहीं माना जाता विल सेल का, अगर मिस्टेक हो जाए आपके साथ, लेकिन कॉन्सेप्ट आप सब जानते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर यूजेस दिए गए हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का, आप पढ़ लेंगे। बेसिकली आप जानते हैं फ्यूचर टेंस की पहचान जो होती है गा, गी और गे से किया जाता है ना, हिंदी सेंटेंस क्लास में गा गे गी पाया जाता है। और विल सेल का यूज हम मॉडल में भी पढ़ते हैं, मॉडल, यस, विल सेल एक मॉडल वर्ब भी है, मॉडल वर्ब, जो कि हमने पिछले चैप्टर में मॉडल पढ़ा है, है ना, मॉडल वाला चैप्टर हमने पढ़ लिया है, वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो मॉडल के रूप में भी यूज होता है, गा गेगी जहाँ भी आ जाए आप फ्यूचर टेंस समझ जाएंगे इसको। यहाँ पर देखिए, आप पढ़ लीजिए ढेर सारे, आई विल बी 18 नेक्स्ट वीक, जब टाइम से आगे की बात की जाए, जो भी घटना घटी थी नहीं हुई, जो टाइम आया ही नहीं उसके आगे की बात की जाए, तो सिंपल सी बात है फ्यूचर का होता है। तो सारे एग्जांपल आप यहाँ पर पढ़िए, हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज करा दें बच्चों,
हमारा प्रयास रहता है कि आपको एक्सरसाइज करा दिया जाए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज ए में क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो दिया है उसको हमें फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग यूज करने हैं, ठीक है। देखिए When you reach, यहाँ पर reach ही फिल करेंगे। When you reach चेन्नई call my friend मोहित, I will help ना, will help, यहाँ will help लगाइए, यहाँ पर reach लगाइए। Second में देखिए बच्चों, today after I finish लगाइए, यहाँ पर finish, यहाँ पर will go, finish and will go, ठीक। Third में if people do not stop लगाइए, और यहाँ पर will experience लगाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर पर, मीना विल लॉस यहाँ पर लॉस लिखिए एंड कीप्स, ठीक है, विल लॉस एंड कीप्स। फिफ्थ में इफ इट रेंस फिल करेंगे, और यहाँ पर विल डांस ओके। सिक्स में आप फिल करेंगे अनलेस यू गेट लगाएंगे, गुड मार्क्स वी विल नॉट गो, ओके, विल नॉट गो यहाँ पर फिल करेंगे। एक मिनट रिराइज कर दें, आप देख के राइट कर सकते हैं, ठीक ना। और सेवन एंड एट का देख लेते हैं। सेवन में हमने फिल किया बच्चों, डू यू नो वाट यू विल डू आफ्टर यू विल ग्रेजुएट ओके। एट में बी इफ द विंटर बी क्लियर टुमारो वी विल बी गो फॉर अ पिकनिक वी विल गो, देखिए तो यहाँ गो और बी लगा देंगे, ओके। चलिए एक बार और हम बैक कर दे रहे हैं, आप देख लीजिए, ठीक ना, फिल कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब बस विल बी शैल बी आता है। हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज करेंगे बेटा, विल बी और या फिर शैल बी, और क्या वर्ब प्लस आई एन जी, जहाँ पर भी कंटिन्यू फॉर्म आ जाए वर्ब का आई एन जी फॉर्म ही यूज होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है विल बी प्लस आई एन जी ना, तो ही विल बी गोइंग टू पेरिस टुमारो, कहा जा रहा है कल वह पेरिस जा रहा होगा। तान्या विल बी स्टेइंग विद अस ड्यूरिंग द हॉलीडे, तान्या छुट्टियों भर मेरे साथ रह रही होगी तो रहा रही का यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन करते हैं हिंदी में। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, वही चीज़ें हैं पहले बच्चों। एग्जांपल्स और ढेर सारे दिए गए, नेगेटिव बनाना है तो आप विल नॉट बी लगा दें, विल नॉट बी, जैसे देखिए विल नॉट बी गोइंग टू पेरिस टुमारो, नॉट बीच में आ जाए, बस इतना ध्यान देना है नॉट जब भी आएगा विल के बाद आएगा, विल के बाद, उसके बाद कुछ और भी आ सकता है बी, ठीक ना। तो विल नॉट बी स्टेइंग विद अस ड्यूरिंग द हॉलीडे हो गया। यहाँ क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है तो विल को पहले कर दिए, विल ही बी गोइंग, केवल विल को ही पहले किया जाता है प्यारे बच्चों, आप इतना ध्यान देते रहिए, बाकी शब्द वहीं, नॉट भी वहीं रह जाएगा, बी भी वहीं रह जाएगा, ठीक है। विल ही बी गोइंग टू पेरिस टुमारो, विल तान्या बी स्टेइंग विथ अस ड्यूरिंग द हॉलीडे, इस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, देख लीजिए। आगे देखिए ढेर सारे एग्जांपल्स और भी दिए गए हैं बच्चों, हम एग्जांपल्स इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आप इसको बुक में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, आपको जहाँ प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट करने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप सब अच्छे से समझ जाए ना। तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट यूज द सिंपल फ्यूचर और द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें फ्यूचर सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को यूज मिलाना है आपको। देखिए यहाँ पर फिल कीजिए आई शैल गो टू बीच टुमारो, आई शैल गो लगाइए। सेकेंड में मैं ज़्यादा नहीं रीड करूँगा बच्चों, यहाँ पर देखिए आई विल प्ले या आई शैल प्ले, आई विल या शैल दोनों लगा सकते हैं, मैंने बताया ना कभी भी रंग नहीं होगा अगर विल के शैल, शैल का विल कर देते हैं तो शैल लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं, बस अंतर होगा कि आई विल प्ले कहेंगे तो मैं ज़रूर खेलूँगा ना, मैं अवश्य खेलूँगा,
गारंटी हो जाती है ना। लेकिन आई के साथ विल लगाने से सेंटेंस और मजबूत होता है, अच्छा लगता है, इसलिए विल का यूज और भी अच्छा माना जाता है। थर्ड नंबर देखिए, द स्कूल विल रिमेन, विल रिमेन यहाँ यूज करेंगे आप, विल रिमेन, ठीक। फोर्थ में बच्चों, हे रोहित आई हियर यू विल लिव फॉर सिंगापुर, विल लिव लगाइए, ठीक। या फिर पास्ट कंटिन्यूअस में भी करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, विल बी लिविंग, आई हियर, मैंने सुना कि यू विल बी लिविंग फॉर सिंगापुर सून, मतलब तुम सिंगापुर जल्दी जा रहे हो, तो विल बी लिविंग आप यूज कर सकते हैं, इसमें कंटिन्यूअस फॉर्म बन जाएगा, ठीक, दोनों करेक्ट है। फाइव नंबर देखिए, विल नॉट मीट, विल नॉट लगा दीजिए, विल नॉट लगा सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, उसको बच्चों कंटिन्यूअस में भी राइट कर सकते हैं और सिंपल में भी, कोई गलती नहीं होगी, है ना, लिखने की बात है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखिए, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है बच्चों, बस हेल्पिंग वर्ड ज़रा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर विल हैव लगाएंगे या फिर शैल हैव लगाएंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट का भी एक फिक्स रूल है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं, परफेक्ट का रूल फिक्स है कि वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया गया है विल हैव लेफ्ट फॉर पेरिस बिफोर यू रीच, तुम्हारे पहुँचने से पहले वह पेरिस के लिए जा चुका होगा, ऐसे कहेंगे जा चुका होगा, ओके। तो विल हैव आया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, बिना विल हैव सीन द ईमेल बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक बिना ईमेल को पढ़ चुकी होगी, देख चुकी होगी, ठीक ना। इस तरीके से चुका होगा, चुके होंगे, हिंदी लास्ट में आता है, और विल हैव, शैल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं किसमें, फ्यूचर परफेक्ट में, तो देखिए। और अब नॉट लगाना हो तो विल नॉट हैव, विल नॉट लगा देंगे, विल नॉट हैव सीन लगा देंगे, बस वही बात है। और इंटरोगेटिव बनाना है तो उसी विल को, इसी विल को आप फर्स्ट ऑफ ऑल यूज कर दें, विल ही हैव लेफ्ट, ओके, विल बीना, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से दिया गया, देखिए इसमें भी बाय द टाइम यू रीच द स्टेशन विल हैव लेफ्ट, विल हैव लेफ्ट आया ना, तो वही टेंस है। सेंटेंस कहीं पर भी लिखा रहे आगे या पीछे, बट हेल्पिंग वर्ब ध्यान देना है, वर्ब ध्यान देना है, आई विल हैव रीड इट बाय देन, ठीक है। ये भी देखिए, विल हैव कंप्लीटेड, ठीक। तो रूल हमेशा याद रखें, कभी भी सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस देखते हैं बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इसमें विल हैव बीन, शैल हैव बीन का यूज करते हैं और वर्ब का इंग फॉर्म लगाते हैं। हमेशा आप देख रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म जो आ रहा है लास्ट में, उसमें वर्ब का इंग फॉर्म यूज हो रहा है और टाइम दिया रहता है। आप तीनों टेंस के लास्ट वाले पार्ट में टाइमिंग जरूर याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर विल हैव बीन स्टेइंग है ना, विल हैव बीन स्टेइंग, बस इतना ही आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर टाइम देखिए, फॉर फाइव ईयर्स, ठीक है, तो फॉर फाइव ईयर टाइम दिया होना चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब याद रखें, यहाँ विल नॉट हैव बीन स्टेइंग इन पेरिस फॉर फाइव ईयर्स, ठीक, बात वही है। अब तक आपने इतना टेंस पढ़ लिया है कि सब बिल्कुल पकड़ में आ जानी चाहिए, आई होप आप कुछ समझ भी रहे होंगे। देखिए, बाय द नेक्स्ट मे ही विल हैव बीन टीचिंग हियर फॉर सेवन ईयर, देखिए फॉर सेवन ईयर टाइमिंग दिया है और विल हैव बीन टीचिंग, अगर टाइमिंग नहीं देगा तो यह फ्यूचर कंटिन्यूअस बन जाएगा और सेंटेंस तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। अगर टाइमिंग आप हटा देते हैं यहाँ से तो यहाँ पर ये भी रॉन्ग हो जाएगा, फिर क्या होगा, तब होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस लिखना पड़ेगा, विल बी ना, तो विल बी लिखना पड़ेगा, विल बी टीचिंग, इतना आप ध्यान दें। फ्यूचर कंटिन्यूअस अलग होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस अलग होता है। क्या अलग होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइमिंग दिया रहेगा और फ्यूचर कंटिन्यूअस में टाइम नहीं दिया रहता, बस इतना अंतर है,
आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग रूल है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग रूल है, चलिए बताते हैं। अदर वे एक्सप्रेसिंग फ्यूचर, फ्यूचर एक्सप्रेस करने का और भी तरीका होता है। देखिए कैसे, एग्जांपल यहाँ आप पढ़ लेंगे, मैं हम एग्जांपल से आपको समझा दे रहे हैं। देखिए विल बी प्लस गोइंग टू, ऐसे देखिए आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू कार, जब कहा जाता है आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू कार, मतलब मैं नया कार खरीदने जा रहा हूँ, कहने मतलब फ्यूचर में, अभी नहीं गया हूँ आगे जाऊँगा बाद में, सेंस फ्यूचर का जाता है, लेकिन यूज़ आई एम गोइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज हुआ है लेकिन इसका सेंस जो है फ्यूचर है। तो इस प्रकार से भी हम फ्यूचर टेंस बना सकते हैं, बनाते हैं, है ना। माई आंट इज़ गोइंग टू बेक द केक फॉर माई बर्थडे, मेरी आंट मेरे बर्थडे के लिए केक बनाने जा रही है, मतलब अभी बनाई नहीं जा रही है, भविष्य में जा रही है, कल आगे जाएगी, अभी टाइम नहीं है बनाने का, ना नेक्स्ट टाइम में बनाने जा रही है, मतलब जब भी कोई काम आगे होने वाला है तो उसको हम फ्यूचर में ही काउंट करेंगे। लेकिन देखिए यूजेज क्या है, इज गोइंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज है, ठीक। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के यूजेज से भी फ्यूचर टेंस बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए लुक एट द स्काई ही इज गोइंग टू रेन, वही बात है, कहा जा रहा है चांद आकाश की तरफ देखो, बरसात होने वाली है, वर्षा होने जा रही है, तो अभी वर्षा नहीं होने जा रही, मतलब आगे वर्षा होगी, लेकिन यूजेज आप देख सकते हैं इज गोइंग यूज है और सेंस क्या है फ्यूचर का। तो इस प्रकार से फ्यूचर हम बना सकते हैं, ठीक। दैट इज़ अ सिग्नल द ट्रेन इज गोइंग टू लीव, ज़्यादा सिग्नल देखिए आ गया है, ट्रेन जाने वाली है, ट्रेन अभी कहीं जाने वाली है, मतलब फ्यूचर का सेंस है। यही बात है यहाँ पर भी, देखिए वही बात यहाँ पर भी है। लेट्स हरी द टिकट विंडो इज अबाउट टू सेट, मतलब जल्दी करो, टिकट विंडो इज़ अबाउट टू सेट। तो बी अबाउट टू का यूज कर सकते हैं फ्यूचर टेंस के लिए। इज अबाउट, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब जानते हैं, इज एम आर वाज वर्ब, मैंने पहले बताया। तो इज अबाउट टू फॉल स्लीप लिखा है, इज अबाउट टू सेट मीन्स टिकट विंडो बंद होने वाली है, मतलब बंद अभी नहीं हुई लेकिन आगे बंद हो जाएगी, मैं फ्यूचर की बात है। लेकिन यूजेज क्या है, इज अबाउट, विल सेल का यूज नहीं हुआ है, तो विल सेल के यूज किए बगैर भी आप फ्यूचर टेंस बना सकते हैं, क्लियर। इज अबाउट टू स्लीप, देखिए बेबी इज अबाउट टू फॉल स्लीप, बच्चा सोने वाला है, अभी सोया नहीं, सोने वाला है, मतलब फ्यूचर की बात है लेकिन विल सेल का यूज नहीं हुआ है। सी इज लिविंग नेक्स्ट ईयर, वह अगले वर्ष जा रही है ना। तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपका रोल क्या कहने कह रहा है। प्रेसिडेंट इज़ टू विजिट लंदन नेक्स्ट वीक, देखिए नेक्स्ट वीक प्रेसिडेंट विजिट करेंगे नेक्स्ट वीक में, लेकिन इज टू लगाया गया है ना। तो कोई चीज़ें अगर फिक्स होते हैं तो हम प्रेजेंट में उसको राइट करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में राइट करते हैं, जो कभी कोई चीज़ फिक्स होती है, ठीक। यहाँ पर पढ़िए चेयरमैन इज़ टू मीट द यूनियन लीडर टुमारो, देखिए टुमारो लिखा है, कल की बात है, मतलब आने वाला कल, चेयरमैन यूनियन लीडर से कल मिलेंगे, लेकिन लिखा क्या गया है इज टू मीट, मतलब मिलते हैं, मिल रहे हैं ना, प्रेजेंट का सेंस है लेकिन फ्यूचर में काम हो रहा है, तो लेकिन फिक्स है, कोई चीज़ फिक्स होती है तो हम प्रेजेंट में ही टाइप करते हैं, ओके। चलिए बच्चों एक्सरसाइज हम देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्यूचर टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट। आर द बुक हैवी, आई विल लगाएंगे, आई विल हेल्प है बच्चों, आई विल हेल्प यू, तो आई विल हेल्प यू टू कैरी देम, यहाँ फिल कर लेंगे। सेकंड देखिए नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट, देखिए आई एम गोइंग टू फिल कीजिए, आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट इस तरीके से। थर्ड में देखिए रीना इज गोइंग टू इंटर, क्या फिल करेंगे, इज गोइंग टू इंटर द डांसिंग कॉम्पिटिशन अगेन नेक्स्ट सीजन। फोर्थ नंबर देखिए जस्ट थिंक्स नेक्स्ट वीक्स एट दिस टाइम आई शैल बी लाइंग ऑन द बीच इन गोवा, आई शैल बी लाइंग यूज कीजिए। फिफ्थ नंबर में फिल करेंगे व्हाइल यू विल बी वर्किंग आई शैल बी इंजॉइंग, ठीक है, आई विल बी इंजॉइंग आप कर सकते हैं, शैल या विल दोनों लगा सकते हैं, आई विल बी इंजॉइंग विथ माई फ्रेंड्स इस तरीके से। सिक्स नंबर आई होप यू विल नॉट फॉरगेट मी, यू विल नॉट फॉरगेट वी, ठीक है,
विल नॉट फॉरगेट मी यूज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे बच्चों बढ़ते हैं। देखिए सेवन नंबर में आप क्या फिल करेंगे, सेवन नंबर क्वेश्चन में देखिए, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई शैल हैव ग्रेजुएटेड, आई शैल हैव ग्रेजुएटेड लगाइए। एट नंबर में आई एम अबाउट टू स्टे, आई एम अबाउट टू स्टे फिल करेंगे। यहाँ पर विल या फिर शैल, आई शैल सी या फिर आई विल सी, ठीक। नाइन्थ नंबर में व्हेन यू गेट ऑफ द प्लेन आई विल वेट, विल वेट फिल करेंगे बच्चों। एंड एट लास्ट टेन नंबर में आप विल लिव फिल कर देंगे, विल लिव, ओके। तो इस प्रकार से आप अपने एक्सरसाइज को फिल करके और समझ कर फिल कर दीजिए। डियर स्टूडेंट वन थिंग्स मोर्स, लास्ट का एक्सरसाइज भी आपको मैं करा ही देता हूँ, डी नंबर का एक्सरसाइज, डू एज डायरेक्टेड, जो डायरेक्ट किया गया वैसी उसी अकॉर्डिंग लिखना है आपको। देखिए सी टेल्स बेक्ड अ केक, इसमें क्या करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखना है। तो ऐसे लिखेंगे शीतल हैड बीन बेकिंग अ केक सिंस मॉर्निंग, टाइम ऐड कर देंगे, शीतल हैड बीन बेकिंग अ केक सिंस मॉर्निंग, ओके। चलिए सेकंड पे देखिए, वी लिव इन कोलकाता, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना है। कैसे लिखेंगे, वी हैव लिव्ड इन कोलकाता, वी हैव लिव्ड इन कोलकाता। थर्ड में देखिए, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, इसको क्या करना है, पास्ट परफेक्ट में बनाना है। कैसे बनाएंगे, आई हैड टॉट फ्रॉम 10 ईयर्स, देखिए फ्रॉम लगाएंगे, आई हैड टॉट फ्रॉम 10 ईयर्स, ओके। फोर्थ में देखिए, आई डांस, इसको सिंपल फ्यूचर में चेंज करना है तो इसको आप लिखेंगे आई विल डांस, ओके आई विल डांस। फिफ्थ नंबर में मनु विल हेल्प विल हैव स्लेप्ट, इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। कैसे लिखेंगे, मनु विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग, ठीक है, मनु विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। सिक्स नंबर देखिए, सॉरी दोस्तों, आरिफा वाज अ लायर, इसको सिंपल प्रेजेंट बनाना है तो आरिफा इज अ लायर, क्या लिखेंगे, आरिफा इज अ लायर, ओके। सेवन नंबर देख लीजिए, ट्विंकल्स मेड अ बुद्धाज स्टेच्यू विथ क्ले, चेंज टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसको चेंज करना है। कैसे लिखेंगे, ऐसे ट्विंकल इज मेकिंग अ बुद्धाज स्टेच्यू विथ क्ले, एक बार फिर सुन लीजिए, ट्विंकल इज मेकिंग अ बुद्धाज स्टेच्यू विथ क्ले। एट नंबर, रेन वाटर स्लीप्स इन थ्रू अ क्रैक इन द टाइल्स, चेंज इन टू पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है बच्चों। देखिए कैसे राइट करेंगे आप, रेन वाटर वॉज सीपिंग इन थ्रू अ क्रैक इन द टाइल्स, एक बार फिर से, रेन वाटर वॉज सीपिंग इन थ्रू अ क्रैक्स इन टाइल्स, ठीक। एट लास्ट नहीं, नाइन्थ एंड टेन दो बचा है अभी, नाइन्थ एंड टेन का भी हम बता दे रहे हैं। डिड मॉरिस सर्व इन द आर्मी बिफोर बिकमिंग अ बिजनेसमैन, चेंज टू पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट चेंज करना है नाइन्थ को, ऐसे लिखेंगे, हैड मॉरिस सर्व इन द आर्मी बिफोर बिकमिंग अ बिजनेस मैन, ठीक। टेंथ नंबर एंड लास्ट, आई विजिटेड 17 countries, चेंज टू प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है। कैसे, आई हैव विजिटेड 17 countries, ओके। एट लास्ट प्यारे बच्चों, हमने पूरा का पूरा आपका फाइनल करा दिया एक्सरसाइज, और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सभी एक्सरसाइज हमने करा दिए। और हाँ, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और हाँ अपने क्लासमेट में दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी इसका बेनिफिट उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।